Hello dear students, my name is Vishali. In this video, we are going to learn about pronoun and we will also discuss its types. So let's start with the definition of pronoun. सबसे पहले हम देखते हैं कि pronoun होता क्या है. All those words which are used in the place of noun are called pronoun. मतलब कि हर वो words जो कि noun की जगह पर use किए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? Pronoun. अब देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स. सो द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. हम इन्हें डिस्क्राइब करके भी देखेंगे, पर पहले हम शॉर्ट में इनकी नेम्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. द सेकंड वन इज इंडेफिनेट प्रोनाउन. द थर्ड वन इज इंटेंसिव प्रोनाउन. द फोर्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. द फिफ्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द सिक्स्थ वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. And the last one is reflexive pronoun. So this all other types of pronouns. Let's start with the personal pronoun. Personal pronoun क्या होता है? Personal pronouns are those words which are used to indicate a person. Personal pronoun में वो words use किए जाते हैं जो हम किसी person को indicate करने के लिए use करते हैं. इसके examples हैं he, she, it, I, we, you, they. ये सभी वर्ड्स किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. अब इसका हम सेंटेंस में एक एग्जांपल देखते हैं. दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है दे, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. द सेकंड वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस या थीम को इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं, हम कोई चीज इन जनरल बोलना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एनीबडी, एनीवन, समवन, समथिंग, ओके, एवरी, इच, ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं. इसका हम एक सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं. समबडी एट माई सैंडविच. किसी ने मेरा सैंडविच खा लिया. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है समबडी, ये क्या है? Indefinite pronoun. Now the next one is intensive pronoun. Intensive pronoun जो होता है वो sentence में जो noun और pronoun available है उसको ज्यादा emphasize करता है, उसे ज्यादा importance देता है. इसके examples हैं himself, themselves, myself. इसका एक sentence में example देखते हैं. He himself is responsible for this situation. वो खुद इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है. तो यहाँ पर जो हमारा हिमसेल्फ वर्ड है वो क्या हो गया? इंटेंसिव प्रोनाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. दे आर यूज्ड फॉर नाउन्स विच आर प्रीवियसली मेंशन्ड इन द सेंटेंस. ये उन नाउन के लिए यूज में किया जाता है जो कि सेंटेंस में पहले से मेंशन्ड है, और ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं हु, whom, which, whomsoever, etc. अगर हम इसका एक सेंटेंस में एग्जाम्पल देखें तो द प्लेयर हु वॉन द मैच वर्क हार्ड. तो यहाँ पर जो सेंटेंस में हु आया है, ये आया है प्लेयर के लिए कि वो प्लेयर जो मैच जीता है उसने बहुत मेहनत की थी. आवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन्स होते हैं जो कि सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं दिस, दैट, दोज. ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, या तो हमारे कोई पास में चीज है हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर हमसे कोई दूर है चीज तो उसे भी इंडिकेट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. ये किस कलर का बोर्ड है? व्हाइट. तो यहाँ पे टी एच आई एस दिस, ये क्या हो गया? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमें किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने में, किसी भी क्वेश्चन को इजीली पूछने में हेल्प करते हैं. इसके एग्जांपल्स होते हैं व्हाट, व्हिच, वेयर. अगर हम इसका सेंटेंस में एग्जांपल देखें तो वो होगा व्हाट विल यू टेक इन योर डिनर. तुम तुम्हारे डिनर में क्या लोगे? तो यहाँ पर जो व्हाट वर्ड आया है ये डिनर की प्रेफरेंस के लिए आया है. तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन. द लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोलते हैं, और ये हम उन सेंटेंस में यूज करते हैं जहां पर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है.
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एंड होते हैं सेल्फ या फिर सेल्फ से, ओके, या तो SELF सेल्फ या फिर SELVES सेल्फ से। इसका एक सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं, आई बेक दिस केक माई सेल्फ, ओके, ये केक मैंने खुद बेक किया। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये यूज में हुआ, यूज आया है आई के लिए, तो इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउन्स एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू।